अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूँ अल्तमस शेख। जैसे कि अभी मैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, मैं कौन हूँ इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं किधर हूँ ये मायने रखता हूँ। मैं अभी आप लोगों को बता दूँ, अभी मैं हूँ आगरीपाड़ा बाईकल्ला वार्ड नंबर 212। आप लोगों का ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि अभी मैं निकला, एक ख्याल आ रहा था मुझे कि मेरी कौम जो सो गई है, मेरी कौम जो सो गई है उसे जगा दूँ। थोड़ा तो जागेंगे, पूरे तो नहीं जागेंगे, मगर ये वीडियो देखने के बाद थोड़े तो कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल तो आएगा कि उन्होंने क्या गलती की है, आज उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ये है आगरीपाड़ा पोस्ट ऑफिस, ठीक है, उसके सामने है किंजल रेसिडेंसी, और उसके ठीक सामने ये जो माशाल्लाह ये जो बिल्डिंग काम रुका हुआ जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है उर्दू लर्निंग सेंटर। ये है उर्दू लर्निंग सेंटर जो कि 2019 में यामिनी यशवंत जाधव, ये जो नाम है, ये 2019 में हमारे हिंदू भाइयों के वोटों से जीत कर आए थे बाईकल्ला में, और अभी ये MLA है माशाल्लाह हमारे एरिया के, ठीक है। उसके बावजूद उनके हस्बैंड यशवंत जाधव और उनकी वाइफ जो MLA यामिनी जाधव, मेरे कौम के लिए उर्दू लर्निंग सेंटर बनाने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया, क्योंकि इनका कुछ भी लेना देना नहीं था हमसे, बस ये लोगों का काम करना जानते। ये जो आप देख रहे थे 2 माले का जो बिल्डिंग बन के रखी है, 7 माले का उर्दू लर्निंग सेंटर बनने जा रहा है और ITA सेंटर बनने जा रहा है, जो कि ये किसी ने आज तक किया नहीं है, ना MLA ने किया है, ना किसी मिनिस्टर ने किया है, ठीक है। इनके हस्बैंड यशवंत जाधव सर, जो हमारे ईद मिलादुन नबी, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ईद मिलादुन नबी शरीफ आती है उसके लिए फंड पास करा था, 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपया कुछ ऐसा BMC का, जो कि कभी किसी ने किया नहीं है। तो इतना करने के बावजूद भी हमने उन्हें क्या दिया, कुछ नहीं, ठीक है। अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोगों को। दूसरी चीज़ ये है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है बड़ा आलीशान गार्डन, सिर्फ लेडीज़ों, बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए जो बनाया गया है। यहाँ की जो नगर सेविका है और यहाँ की MLA यामिनी जाधव मैडम की कोशिशों से इसे रेनोवेट किया गया है, जो कि 4 साल पहले बहुत खंडर था यहाँ पे, जो कि ये गार्डन खंडर था, यहाँ पर कौन आता है वॉक करने खेलने, हमारी मुसलमान बहनों बुज़ुर्गों बच्चे आते हैं, किसके लिए बनाया गया, हमारे लिए बनाया, ठीक है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वार्ड नंबर 211, 212, 207 में कुछ काम नहीं हुआ है, तो मैं ये उन्हें बता रहा हूँ, ठीक है, कि और भी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक ही वीडियो में सब दिखाऊंगा, आज पूरे बाईकल्ला का आज आपको दौरा कराऊंगा। छोटे छोटे काम तो बहुत करे और डेली हो रहे उनके ऑफिस से, उनकी टीम के तरफ से, पूरी शिवसेना की टीम के तरफ से, बड़े बड़े काम आप लोगों को दिखाता हूँ मैं आज। तो अभी आप लोगों को एक जगह और लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो सबके लिए बनाई गई है, एक आइकॉनिक जगह है पूरे बाईकल्ला के लिए, क्योंकि आई लव बाईकल्ला, बहुत से लोगों ने आते जाते देखे रहेंगे ये जगह, इसका नाम है लव बाईकल्ला, क्लेयर रोड पर है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब्दुल हमीद अंसारी चौक बाईकल्ला, आप लव बाईकल्ला देख रहे हो आप लोग, लव बाईकल्ला कितनी आइकॉनिक जगह है माशाल्लाह, क्लियर रोड पर। यह है पार्ट 1
क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ी करके सब डाल दूँ। ये है पार्ट वन, इंशाल्लाह पार्ट टू कल आएगी। किसने ये पॉसिबल किया है ना होने जैसे काम को। कल तो और बड़ी वीडियो आने वाली है। आप लोगों को पता भी होगा शायद से कि नहीं पता होगा, मेरे ख्याल से तो पता होना चाहिए कि जो मैं कल डालूँगा। तो ये जो वीडियो है, मैंने जो जो अभी दिखाया, उर्दू लर्निंग सेंटर, बेबी गार्डन, बहुत सी चीज़ें भी और दिखाऊंगा मैं, जो तो बहुत दिन से खामोश थे। मगर इलेक्शन को जाके 2 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, फिर भी कुछ हुआ नहीं है MP इलेक्शन को, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को कल मैं दिखाता हूँ। हमारी वीडियो को ऐसे देखते रहे और हम एक कड़वा सच आप लोगों को बताते रहेंगे। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।